गाइस अगर आप गोप्रो लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ तो 10 रुपए दूंगा तभी स्कूल जाओगे क्या? तो 10 रुपए दूंगा तभी स्कूल जाओगे क्या? अगर अगर नहीं दूंगा तो पेपर चल रहे हैं तो बिना 10 रुपए के भी जाओ? नहीं नहीं, मेहरबानी है बाबू, मैं लेबर आदमी ठहरा, कहाँ से कमाऊंगा तुम्हारे लिए? कहाँ है? बटवे में। बटवा भी मेरा फट गया है, बटवा लेने के लिए भी पैसे नहीं है। आ यहाँ पहले आओ, इधर आओ। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, बराबर आ जाओ, मैं गोदी में आओ। देखो मैं ठहरा गरीब टीचर आदमी, ठहरा ठहरा पहले बता। नहीं क्यों? आप दुकान बाल कटाई की दुकान में? अच्छा बाल कटाई की दुकान में हूँ मैं। अच्छा तो उससे क्या होगा? तभी तो आपको बाल नहीं, मामा जी से। तो मैं तुम्हें करता हूँ काम वहाँ पर, तो तुम्हारे मामा को रखा हमने। नहीं तो हाँ, तो आप भैया जाते हैं दुकान तो पैसे लेने तो जाऊँगा ना। सो गाइस यहाँ पर जिद कर रही है लतू, लतू कह रही है 10 रुपये तो तभी स्कूल जाऊँगी। तो वेलकम, पहले वेलकम कर लेते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर। तो कैन वे चल आज ह्यूमन नेचर में आपका स्वागत है। अच्छा इतना ही होता है? वेलकम बैक टू, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय चैनल एंड योर चैनल, एंड योर चैनल और सबका चैनल, माय सबका चैनल, लेकिन मेरा अपना चैनल। द ह्यूमन नेचर में आपका स्वागत है। ये कहा चिकन रोटी? हाँ रात को नहीं खाया आपने? आज तो धूप अच्छी आई है, धूप मस्त। आज का है पेपर? इंग्लिश। इंग्लिश का? और तुम्हारा? हिंदी। इंग्लिश हिंदी? अच्छा चलो बढ़िया है, बढ़िया। तू भी खा ले। नहीं देखो मैं 10 रुपये देना, खा खा के। आज इन दोनों का पेपर, एवा बता कल कैसा गया? सही बताओ, पढ़ाई पढ़ाई रहे तो तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता है, अच्छा मैं बोलूंगी। देखो हमने डंडे भी नहीं खाए, हमने डंडे भी नहीं खाए। अच्छा क्या? और ननू तेरा भी धक्का गया पक्का? गाइस ये कह रहे हैं कि पटाखे लाना, पटाखे लाना। आपको पता है ना दिवाली 35 तारीख को है इस बार? दिवाली 35 तारीख को है? 35 तारीख को है? कल को है? कल को? पर 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 35 को है? कल को कितनी तारीख है? 20 है कल को? हाँ 21 है, 22 है कल। तो दिवाली 35 तारीख को है? 22 तारीख को है, मैंने खुद लिखा दिया सब। 35 तारीख होती है नहीं होती पहले बताओ, डेट कितने तक होती है बताओ पहले? 30 या 31 तक का। शाबाश, 31 तक की होती है, 31 तक की, 35 तक, 35 तक की कहाँ होगी बुद्धू हो, इतना भी नहीं आता। हाँ तो मैंने वही तो कहा, डेट कितने तक की होती है? तू कह रही है कि 34, 35, 31 तक होती है डेट, 31 तारीख तक। अभी तक हमने ना लद चलो चलो हाय। ये इनको ट्रक रख दबाएगा, रखता कि नहीं अंदर? कई दिन देख लिया मैंने, ऊपर से तेज नहीं आते हैं यार गाड़ी आ रही, तो फिर अंदर ही दिया कर इनको खाना। हो गई, चालू हो गया ना, चलने नंबर तो स्टार्ट हो गया। फिर बोलो
लाल वाला डब्बा कलर का लाल। हाय बच्चों, ये वाला कलर था देख लो, रेडी मंगाया था। चलिए रेडी मंगाया था, एक ही मंगाया था, एक में ला जाऊंगी ना। अच्छा। दो दो नहीं लाते हैं कहीं को, पैसे तो तुमने ही दिए थे मेरे को कलर के, है ना लतू? मुझे क्या पता, मैं तो सो रही थी। पेपर कैसा था आपका? क्या और नन्नू आपका? अच्छा है। पक्का ही था। अच्छा ही था या अच्छा था? अच्छा ही था। दिखा दो क्या ये बन गया। बात आज क्या बनाया? दाल भात। दाल भात काय की दाल बनाई? मिलावट में क्या क्या आता है दत्तू बताएगी इस बारे में। दत्तू मिक्स दाल क्या होती है? लत्तू डाल दिया पानी हमारे लिए पहली बार ना लत्तू। क्यों हमारे लिए डाल सकते हो? बताओ क्या क्या आप काम नहीं कर सकते? इतना छोटा सा ताकत नहीं है ये, ताकत नहीं है इसको सही में। बनाया मिक्स दाल चावल चटनी काई की है ये? अचार है चटनी? ये घर की शेजवान है क्या? ठीक है हरी मिर्ची भी दे दो खाते हैं। क्या क्यों 10 रुपये क्यों चाहिए? हैं कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? मेरे बटुए से। क्यों सुबह भी तो दिए थे तेरे को 10 रुपये स्कूल जाते वक्त। अब घर के लिए चाहिए? अच्छा नीचे आके थप्पड़ ना दूँ मैं तेरे को? एक थप्पड़ पड़ेगा, थप्पड़ लगते शाबाश। ये लड़की अच्छी है क्योंकि ये लड़की बिल्कुल पैसे नहीं मांगती। आपको तो नहीं चाहिए ना 10 रुपये? पक्का? आई स्वेर यस आई स्वेर। सो गाइस खाना वाना खा दिया है और आज की जो धूप है माइंड ब्लोइंग, मतलब मज़ा आ गया भाई। नीला नीला आसमान और चटकी धूप है। सो अब करते हैं गाइस काम की बात। अब काम की बात क्या है बताता हूँ। लगभग 2 दिन पहले मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था भाई कि मैं अपना GoPro सेल कर रहा हूँ, तो काफ़ी लोग मिले मार्केट में, वड्डा में भी मिले मेरे दोस्त। तो उन्होंने यही पूछा कि भाई क्यों बेच रहे हो, किस लिए बेच रहे हो? तो रेट भी बताए, हम लेना चाहते हैं, हम इतना देना चाहते हैं, ये ऐसे है। तो बात नहीं बन पाई क्योंकि मैंने भी हाल ही में ले रखा है यार, और काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है ये, तो इसमें मैं घाटा तो नहीं खाऊंगा। इतना ज़रूर कहूंगा कि 50-50 चांस है कि मैं इसको बेचूँ ना बेचूँ, बट मैंने कम्युनिटी में इसलिए डाला क्योंकि भाई अगर ठीक ठाक रेट मिल जाएंगे, क्योंकि नई चीज़ है, गारंटी में चल रही, गारंटी वारंटी, तो आप समझ सकते हैं कि यार एकदम शॉप से एकदम जैसे हम नई चीज़ परचेस करते हैं, तो अभी उसी कंडीशन में है। अब बेच क्यों रहा हूँ मैं, रीज़न है वो इसलिए क्योंकि मैं ले रहा हूँ 14 आईफोन 14 का मेरा विचार हो रहा है, तो वो भी महंगा है भाई, और उस प्रोडक्ट को लेने के लिए मेरे को भी थोड़ा बहुत बजट तो तैयार करना पड़ेगा यार। बट क्या कर सकते हैं, यूट्यूबर की लाइफ में भाई छोटी छोटी प्रॉब्लम तो आती रहती है क्योंकि नई नई चीज़ें उसको चाहिए होती हैं। तो 14 मैंने जब लेने का मूड बनाया
तो थोड़ा बजट की कमी पेशी मेरे पास होने लगी, तो मैंने सोचा कि चलो गोप्रो को भी सेल कर लेते हैं। और गोप्रो एकदम ब्रांड न्यू है, एकदम टनाटन कंडीशन में है, लेकिन लेने वाले को एक फ़ायदा ये भी रहेगा गाइस, अगर आप गोप्रो लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिया जाता है और एक बैटरी दी जाती है, ठीक हो गया ना। तो एक इसके साथ स्टैंड मिलता है, बस इतना ही मिलता है आपको गोप्रो के साथ। ये चीज़ें आपने अलग से लेनी पड़ती हैं, और जो इन चीज़ों का प्राइस है गाइस बहुत ज़्यादा कीमती रहता है, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट ये वाला ना, ये मान के चलिए 2-3 हज़ार रुपये का आता है। अब जैसे ये हो गया गोप्रो की सेफ्टी के लिए, ये स्टैंड वगैरह, ये तो ये सारी चीज़ें मैंने अलग से बाई की करी थी। मतलब ये मान के चलिए गोप्रो सिंगल इसमें आया था, और उसके बाद जब मेरे को ज़रूरत पड़ी इन सारी चीज़ों की तो मैंने ये अलग से ली। और लगभग अगर मैं गोप्रो को सेट कर दूँ तो इतना सारा सामान मुझे कम से कम 15-16 हज़ार के बीच में बैठा टोटल। और स्टिक भी है, एक बहुत बड़ी सी स्टिक है, वो मैंने रखी अभी। तो ये सारा सामान, तो गोप्रो को छोड़ें अगर इन्हीं की चीज़ों की बातें करें तो ये 15-16 हज़ार रुपये का आपको बैठता है, क्योंकि बहुत महंगे आइटम है यार गोप्रो के। जितने आइटम आते हैं बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। कुछ नया है आपके सामने, मैंने अनबॉक्सिंग की थी, मेरे को हुआ है अभी लिए हुए लगभग 3.5 से 4 महीने। अफसोस की बात है, वैसे मैंने अपने दोस्तों से हेल्प मांग रखी है, अगर भाई कोई थोड़ा बहुत बजट कर सकता है तो मैं फिर नहीं बेचूंगा ये, इसको सेल नहीं करूंगा। बाकी अगर बजट की अगर नहीं बनता है तो मजबूरन में मैंने इसको सेल करना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैं सेल कर रहा था, क्योंकि लोग कह रहे थे कि यार क्यों कर रहे हो। इसलिए मेरे को सोचना था कि यार क्या वीडियो में मैं दिखाऊँ, कम्युनिटी में तो मैंने दिखा दिया था, लेकिन वीडियो में मैंने अभी दिखाया। तो 14 लेने की सोच रहा हूँ मैं, बट अगर बजट बनता है तब, बजट नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, डाल देंगे ये चीज़, और गोप्रो भी नहीं बेचेंगे। तो यही थी भाई पूरी कहानी आपके भाई की। बाकी गाइस ज़िंदगी में छोटी मोटी मुश्किलें तो आती रहती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम काम करना छोड़ दें। क्योंकि जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी तो एक सब्सक्राइबर था, फिर 2, फिर 3, फिर 4 व्यू पहले आते थे, 1-2-3, अभी टोटल व्यू मेरे 800,000 के भी पार जाने को तैयार हैं। तो मतलब इतना प्यार यार जनता का मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक एक दिन में इतना वॉच टाइम मतलब देगा मेरा चैनल मुझे। तो मतलब दिल से धन्यवाद यार, आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका मैं। बाकी जो मुश्किलें हैं भाई वो तो, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष, और संघर्ष लगभग हर किसी की लाइफ में होता ही होता है दोस्तों। तो मुश्किलों से भागना नहीं है, मुश्किलों से लड़ते हुए आगे जाना है और मंजिल को प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करते रहना, अपना प्यार देते रहना। सो मिलते हैं ऐसे किसी प्यारे से, रखना।